एक इंसान थे, बीवी बच्चों के दिल और जान थे, बूढ़ी अम्मा के सर की शान थे, पहलू पेशे से डेरी के साथ थे। एक दिन एक भीड़ के हाथों नोच नोच खाए गए, खून से लथपथ पड़े खाक में पाए गए, मेले से खरीद कर गाय थे लाने गए, पहलू अखमड़े से अस्पताल पहुंचाए गए, फिर दो दिन बाद कब्रिस्तान में दफनाए गए। बस खता इतनी सी थी कि यहीं सदा हुए, मुसलमान थे। लोग अनगिनत मौके पे तब मौजूद थे, कुछ वीडियो बनाने में पर मशगूल थे, कुछ डर गए कुछ और देखा किए, कुछ कुछ खुश हुए कुछ नालते भेजा किए, और बाकियों को कत्ल ये मकबूल था। एक तो लोग थे दूसरे लोगों से दुखी, से भी परेशान थे। और पहलू मरते मरते छह लोगों का नाम ले गए, मेरा इंसाफ करना आखिरी पैगाम दे गए, पुलिस रात दिन तफ्तीश करने लग गई, थाने चक्कर काट जमहूरियत थक गई, मुल्क आगे बढ़ा और लोग अपने काम पे गए, पहलू कत्ल होते लोगों की फहरिस्त में महज दो। और पुलिस की रिपोर्ट कहती है मौका वारदात मुल्जिम कोई भी मौजूद नहीं था, और पहलू का बयान सच करे ऐसा कोई भी सबूत नहीं था, टीवी चैनलों पे मोबाइल से चलने लगे, आप रिमोट लेके टीवी चैनल में बदलने लगे, मुल्जिम रिहा किए गए खिलाफ उनके कोई भी सबूत नहीं, गाय के मुहाफिज थे और सरहदों के पासबान थे। अब ये मामला अदालत के सामने पड़ा है, और कटघरे में सारा हिंदुस्तान खड़ा है, हाँ इंसाफ करना अदालतों का फर्ज है, पहलू खाप तस्करी का मुकदमा दर्ज है, सुनते हैं मुलजिम मंत्री जी का खास बड़ा है, और वैसे तो कटघरे में हम भी आप भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। और पहलू खान तो बेचारे तदफीन हो गए, तदफीन दफन हो गए, दफन हो जाने को तदफीन, पहलू खान तो बेचारे तदफीन हो गए,
मिट्टी में मिले मिलके जमीन हो गए, जो जिंदा है हालत उनकी खराब है, तिश्नगी को हासिल शराब है। और इस वक्त जो मैं आपको पहलू की दास्तान गा रहा हूँ, वहीं से आया हूँ मैं वापस कब्रिस्तान जा रहा हूँ। उस सुनसान सड़क पे एक दूसरा पहलू खान खड़ा है, आ रही मुसीबतों से बेबस खड़ा है।